अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6C करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द पैटर्न अकॉर्डिंग टू शेप्स एंड कंप्लीट इट। बेटा हम इसमें पैटर्न को देखते हुए ये ब्लैंक हम फिल करेंगे, वो किस तरह से देखें। पहले सेमी सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद ट्राइंगल है, उसके बाद सेमी सर्कल है, उसके बाद फिर स्क्वायर है, और ब्लैंक में हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे। उसके बाद ब्लैंक में सेमी सर्कल हम ड्रा करेंगे क्योंकि ट्राइंगल के बाद सेमी सर्कल है। नेक्स्ट पॉइंट भी, पहले सर्कल है, उसके बाद क्वार्टर सर्कल है, उसके बाद रेक्टेंगल है, उसके बाद सर्कल है, तो हम ब्लैंक में क्वार्टर सर्कल ड्रा करेंगे क्योंकि सर्कल के बाद क्वार्टर सर्कल है, उसके बाद रेक्टेंगल है, उसके बाद फिर ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हम सर्कल ड्रा करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल के बाद सर्कल है। नेक्स्ट पॉइंट सी, स्क्वायर है, उसके बाद ट्राइंगल है, उसके बाद क्वार्टर सर्कल है, उसके बाद रेक्टेंगल है, फिर ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हम स्क्वायर ड्रा करेंगे क्योंकि ट्राइंगल से पहले क्या है, स्क्वायर, उसके बाद ट्राइंगल है, फिर ब्लैंक है, तो हम ट्राइंगल के बाद क्वार्टर सर्कल ड्रा करेंगे क्योंकि ट्राइंगल के बाद क्वार्टर सर्कल है। नेक्स्ट फिर ब्लैंक है, तो हम क्वार्टर सर्कल के बाद रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड कंप्लीट इट। बेटा हम इसमें पैटर्न को देखते हुए इसको फिल करेंगे, तो आइए चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए बेटा, ऑब्जर्व करें, स्क्वायर है, उसके बाद स्मॉल स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है, फिर स्मॉल स्क्वायर है, तो हम इसके बाद ये स्क्वायर ड्रा करेंगे, कलर करेंगे इस तरह से। और बेटा बहुत ध्यान से आप लोगों ने कलर करने हैं, लाइन से बाहर ना आए आपके कलर। इस तरह से इसके बाद हम पिंक कलर यूज करेंगे और स्मॉल स्क्वायर बनाएंगे, कलर करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से आपने करने हैं ये कलर, लाइन से बिल्कुल भी ना बाहर आए, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम येलो कलर करेंगे, चलें जी ये हमारा डन है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट बी है, फर्स्ट पे है ट्राइंगल है, स्क्वायर है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद फिर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो हम फर्स्ट पे ट्राइंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद इसमें कलर करेंगे। इस तरह से उसके बाद हम स्क्वायर ड्रा करेंगे और पिंक कलर करेंगे उसमें। उसके बाद हम सर्कल ड्रा करेंगे और उसके अंदर ग्रीन कलर करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट भी हम एज इट इज वैसे ही करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट सी है, स्क्वायर है येलो स्क्वायर, उसके बाद ट्रायंगल है स्काई, उसके बाद पिंक है स्क्वायर, उसके बाद येलो स्क्वायर है, उसके बाद फिर ट्रायंगल है, फिर पिंक स्क्वायर है। तो हम पिंक के बाद येलो स्क्वायर कलर करेंगे। उसके बाद हम स्काई कलर करेंगे और ट्रायंगल बनाएंगे। नेक्स्ट हम पिंक स्क्वायर बनाएंगे, ड्रा करेंगे और उसके अंदर कलर करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड कंप्लीट इट। बेटा इसे भी हमने इसी तरह से करना जैसे हमने पीछे किया है। ट्रायंगल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके बाद लेफ्ट साइड को है, राइट साइड को है, फिर नीचे को है, उसके बाद लेफ्ट साइड को है, फिर स्ट्रेट है, उसके बाद फिर राइट साइड को है। तो इसी को देखते हुए हमने इस तरह से ड्रा करनी है ट्रायंगल। फिर हम इसके बाद ये स्ट्रेट है इसके साथ हम राइट साइड को बनाएंगे। इस तरह से राइट के बाद फिर नीचे को है, इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद लेफ्ट साइड पे ऐसे। इसके बाद इसमें हम कलर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बी है, ये भी बेटा हमने एज इट इज ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसर्कल करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट 1 है, फर्स्टली लार्ज है स्क्वायर, उसके बाद स्मॉल है, फिर लार्ज है, फिर स्मॉल है, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है। विच एट्रीब्यूट इज चेंजिंग, तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है, ये साइज़ है ना, पहले लार्ज है फिर स्मॉल है यानी बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। तो इससे हमें इसका क्या पता लग रहा है, साइज़ का पता लग रहा है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट 2 है, सर्कल है, स्क्वायर है, उसके बाद फिर ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है। विच एट्रीब्यूट इज चेंजिंग, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये शेप्स हैं, तो हम इसे सर्कल कर देंगे ए को। नेक्स्ट ये फोक है, इसका ये ऊपर को है, फिर राइट साइड को है, फिर नीचे डाउन है, उसके बाद फिर लेफ्ट है, फिर ऊपर को है, फिर राइट है। विच एट्रीब्यूट इज चेंजिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है ओरिएंटेशन, यानी वाजिया सिमत का मुतय्यन ये कर रहे हैं, यानी पहले फोक ऊपर को है।